आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षयाचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखना एक और संख्या जैसे कि है 729। सबसे पहले समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। देखो ये हो जाएगा 729, इसका निकालेंगे हम लोग इस प्रकार 729 इसका गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखना याद रखना बताया हूं इकाई को देखना है ये क्या है 9 इकाई है ये 9 क्या है विषम संख्या ध्यान देना विषम संख्या तो बताया था इकाई में देखना ये इकाई है इधर ये क्या है इकाई का अंक है इकाई ढाई सैकड़ा। अगर इकाई में क्या रहेगा देखो 9 यहां बताया था 1 3 5 7 9 कुछ भी तो ये किससे भाग जाएगा 3 से तो यहां पर देखना 3 से जाएगा यहां देखो इसको भाग देंगे 729 को 3 से यहां पर देखने 729 किससे भाग देना है 3 से तो देखो 3 दुनी 6 कितना बचा 1 यहां 2 उतारेंगे कितना हो गया 3 चौक 12 कट गया 9 को उतारेंगे क्या हो जाएगा 3 किया 9 देखो क्या बचा 243 को यहां पर लिख लेंगे 243 हो गया यहां पर किससे भाग दिए थे 3 से। अब देखना याद रखना 2 से क्यों नहीं दिए क्योंकि सम संख्या नहीं है। अब यहाँ फिर से 3 आ गया 3 क्या है विषम संख्या बताया देखो इधर 3 क्या है विषम संख्या तो किससे भाग देना है 3 से ये क्या हो जाएगा 3 से इसको ही भाग देंगे देखो ये कितना है 243 को फिर से 3 से भाग देना कितना हो गया 3 8 24 और ये 3 को उतारेंगे कितना हो गया 3 1 3 कितना बचा यहाँ 81 ये हो गया 81 फिर से देखो क्या आया 1 क्या है विषम संख्या फिर से किससे भाग देना है 3 से ये हो गया 3 फिर से 81 को इसी भाग देना 3 से ये 81 हो गया देखो 3 दुनी 6 2 बचा 1 उतारे 3 सत्ते 21 कितना आ गया 27 एकदम ध्यान से देखिए बहुत आसान है ऐसे भाग देना है भाग देकर आप गुणनखंड निकालना आसानी से सीख सकते हैं। यहां देखो 7 आया अब 7 को किसे भाग देना है देखो यहां पर किसे भाग देना है 3 से ये क्या हो गया 27 ये क्या हो जाएगा 3 × 27 ये कट गया कितना आ गया 9 फिर से आप 9 देखो किसे भाग जाएगा 3 से तो क्या हो जाएगा 3 × 9 और 3 का पारा पढ़ेंगे 3 × 3 ऐसे क्या करना है इसमें 1 आते तक पूरा इसको क्या करना है भाग देते जाना है तो भाग देने आ गया मतलब क्या है आपसे गुणनखंड निकल जाएगा। सस्ता आपको गुणनखंड निकालने आना चाहिए याद रखना जितना भी गुणनखंड निकलेगा वह सब अभाज्य होगा अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया इसका 729 का 729 का देखो अभाज्य गुणनखंड निकाले क्या क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 पर आया 3 ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये 3 देखो 6 पर आ गया। अब देखो इसे क्या ये सब क्या है अभाज्य है देखो सब 3 क्या है अभाज्य संख्या है वैसे भी ये सब क्या है अभाज्य गुणनखंड है इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल याद रखना वर्गमूल निकालेंगे जैसे लगाएंगे ये वर्गमूल का निशान है 729 इधर भी क्या करेंगे वर्गमूल ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 बार लिखना है 6 बार है। अब बताया था वर्गमूल है मतलब क्या करना है इसको 2 का जोड़ा बनाना है क्यों बनाते हैं याद रखना यहाँ पर इसका मान होता है 1/2 यहाँ कुछ नहीं होता मतलब क्या रहता है यहाँ पर 2 रहता है याद रखना यहाँ पर क्या रहता है 2 ये क्या हो गया 1/2 यहाँ 2 रहता है ना इसलिए 2 का जोड़ा बनाना वर्ग मूल वर्ग लिखा है ना मतलब भाग 2 होता है ये जोड़ा बनेगा एक जोड़ा देखो ये 2 जोड़ा और ये कितना हो गया 3 इसको एक एक बार लिखना है याद रखना कितने बार लिखना है एक बार इसको एक बार लिखे फिर इसको एक बार लिखना है और इसको कितने बार लिखना है इसको भी एक बार देखो कितना हो गया 3 और 3 को गुणा करेंगे 3 × 9 यहाँ पर 3 बचा और 9 ये कितना हो गया 27 ये कितना हो गया करणी 729 729 का वर्गमूल कितना आया 27 क्लियर है इतना। तो वर्गमूल निकालना आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे इसको ध्यान पूर्वक वीडियो को आप देखें। धन्यवाद।